होश नहीं होगा तुम्हें। बालवीर, बालवीर तुम गाओ, बालवीर। हे, चिंता मत करो, बस गाँव में वहीं बच जाओ। आज महाभस्मा परी खुद अपनी बुराई की आग में जलकर भस्म बन गई। हाँ, अब हम सुरक्षित हैं और आराम से घर जा सकते हैं। हाँ महर, चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चलो। अब सब ठीक हो गया है, आप सभी सुरक्षा कवच से बाहर आ सकते हैं। तुम ठीक तो हो ना महर? हाँ, हमें विश्वास था कि हमारा बीबी भी तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। हाँ, मुझे भी। और हमें भी। हम सब कहाँ गए बालवीर? हम सब पृथ्वी लोक से बहुत दूर भस्म लोक में। क्या? पर बालवीर, हम सब जाएंगे कैसे? आप चिंता मत कीजिए, अब खतरे की कोई बात नहीं, अब हम सब वापस मुंबई जा सकते हैं। पर हम लोग जाएंगे कैसे बालवीर? प्लेन का मुंह तो खाई की तरफ मुड़ा हुआ है, हम उड़ान कैसे भरेंगे? हाँ, ये मुश्किल तो है, क्योंकि मेरे पास मेरी जादू शक्तियां भी नहीं है। तो अब क्या होगा बालवीर? क्या हमें हमेशा के लिए यही रहना होगा? नहीं, भले ही मेरे पास मेरी जादू शक्तियां नहीं, लेकिन मेरे हौसलों में इतनी ताकत है कि मैं हवाओं का रुख बदल सकता हूं। मैं अभी अपनी ताकत की मदद से इस विमान को सुरक्षित दिशा में मोड़ देता हूं। चलो,
अब हमें ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। अल्फा 20। गुड न्यूज़ सर, फ्लाइट A780 फिर से रडार पर दिखाई दे रहा है। व्हाट? वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। अब इसका मतलब प्लेन सुरक्षित है? जी हाँ सर, फिलहाल के लिए हम ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। क्या हम पायलट से कांटेक्ट कर पाए हैं? यस सर, पायलट के साथ भी कांटेक्ट हो रहा है। सारे पैसेंजर्स सेफ हैं। प्लेन सुरक्षित है और हमारे सारे के सारे बच्चे भी सुरक्षित लौट के आ रहे हैं। मानव, बेटा तू रो क्यों रहा है? ये तो खुशी का समाचार है। और प्लेन कुछ ही समय में मुंबई एयरपोर्ट लैंड करेगा। और सर, बच्चों के साथ बालवीर भी है। पायलट का कहना है कि ये सब बालवीर की वजह से हो पाया है। थैंक गॉड। एंड बालवीर, अल्फा 20 हमने लैंडिंग के लिए रनवे क्लियर कर दिया है। आई रिपीट, वी हैव मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर द लैंडिंग ऑफ फ्लाइट A780। ऑफिसर, सारे स्टाफ को अलर्ट करो क्विकली। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी खबर मिली है कि फ्लाइट A780 मुंबई लैंड कर रही है। सभी पैसेंजर्स सेफ है। किसी भी जान माल की कोई भी हानि की खबर अभी तक नहीं मिली है। मुबारक हो बॉस। मेहर के आने के लिए ना? नहीं, हम अब खा सकते हैं इसलिए। चल, चल, चल। बालवीर, वो महाबस में परी कितनी बुरी परी थी ना? हाँ, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है। पर बालवीर, अगर वो मुझे परेशान करने के लिए वापस आ गई तो? नहीं महर, वो वापस आ ही नहीं सकती क्योंकि उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। We are ready to land at Mumbai Airport. Yay! Yay! अरे मालवीर, मालवीर ये क्या था? मैं अभी जाकर देखता हूँ। क्या हुआ है कि विमान ऐसे हिल क्यों रहा है? प्लेन में एक प्रॉब्लम आ गई है बालवीर। क्यों, क्या हुआ? हमने प्लेन के लैंडिंग गियर डाउन करने की कोशिश की तो पता लगा वो खराब है। अब जिसकी वजह से टायर खुल नहीं रहे हैं और लैंडिंग गियर खोले बिना हम लोग लैंड नहीं कर पाएंगे। अगर हमने कोशिश भी की बालवीर, तो प्लेन सीधा जमीन को लगेगा और उसमें आग भी लग सकती है और क्रैश भी हो सकता है बालवीर। अब उसे दोबारा खोलने की कोशिश करते रहिए। ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। अल्फा 20, हेलो, अल्फा 20, थोड़ी देर में आ मेरे के लिए, मैं खिलौने खरीदूंगा। हाँ हाँ, खरीदता हूँ, खरीदता हूँ। अल्फा 20, डू यू रीड? हेलो, अल्फा 20, सर, आई रिपीट, एक इमरजेंसी। एक मिनट, प्लीज शांत हो जाइए, कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन है, प्लीज। हेलो, अल्फा 20, क्या इमरजेंसी है? सर, A780 के बारे में एक बुरी खबर है। पायलट से बात हुई, उनके प्लेन में तकनीकी खराबी हो गई है। क्या क्या खराबी आ गई है?
प्लेन का लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा है, अब प्लेन लैंड कैसे करेगा? यस सर, और फ्लाइट के कुछ कंट्रोल्स भी काम नहीं कर रहे हैं सर, ऐसी हालत में उनका लैंड करना पॉसिबल नहीं है सर। कैप्टन को बोलो कि लैंडिंग गियर खोलने की कोशिश करे, नहीं तो लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो जाएगा। गॉड, अब सारे बच्चों का क्या होगा? प्लीज क्लियर ऑल रनवे, अर्जेंसी लैंडिंग ऑफ प्लेन नंबर A780। प्लीज क्लियर ऑल रनवे फॉर इमरजेंसी लैंडिंग ऑफ प्लेन नंबर A780। अब क्या होगा बालवीर, प्लेन लैंड कैसे होगा? टीचर, क्या हम अपने मम्मी पापा से नहीं मिल पाएंगे? हाँ बालवीर, हमें भी अपने मम्मी पापा से मिलना है। सब बच्चे अपने माता पिता से मिल पाएंगे। हाँ, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं एक भी बच्चे को खरोंच तक नहीं पहुँचने दूंगा, और इसीलिए मैं अपना वादा निभाऊंगा। प्लीज बालवीर, इस प्लेन को लैंड करवाओ। ये विमान जमीन पे उतरेगा, आप कितने समय तक इस विमान को हवा में उड़ा सकते हैं? पायलट के अनुसार हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इस प्लेन के अंदर फ्यूल भी बहुत कम है, और व्हील खुले ना खुले फ्यूल खत्म होने से पहले ही इस प्लेन को लैंड करना ही पड़ेगा, वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। देखिए, आप सब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब जितने समय तक हो सके इस विमान को हवा में उड़ा कर रखिए, और मैं बाहर जाकर पहिए को खोलने की कोशिश करता। लेकिन बालवीर, तुम्हारे पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं है, फिर तुम ऐसा करोगे कैसे? आप सबको अपने बालवीर पे पूरा भरोसा है ना? हाँ है बालवीर। हाँ है। बस, तो आप सबका बालवीर आपके भरोसे को टूटने नहीं देगा। ऑल द बेस्ट बालवीर। ऑल द बेस्ट बालवीर। शुक्रिया। आप सब अपनी जगह पर बैठ जाइए। हमने डोर खोल दिया है, तुम बाहर जा सकते हो। टीचर, हमें कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बालवीर ने कहा है ना, वो सब ठीक कर देगा। तो अब क्या होगा, प्लेन के टायर्स कैसे खुलेंगे? अरे तो फिर अब प्लेन लैंड कैसे होगा? कुछ तो कीजिए जोसेफ भाई। देखिए, हमने पायलट को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लैंडिंग गियर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरा कोई उपाय नहीं है, प्लेन लैंड करने का कोई और तरीका तो होगा? नहीं, अगर लैंडिंग गियर नहीं खुले तो फ्लाइट लैंडिंग के दौरान क्रैश हो जाएगी। नहीं तो फिर रोकिए, फ्लाइट को लैंड होने से रोकिए। अल्फा 20। सर, प्लेन ने लैंडिंग करते करते वापस उड़ना शुरू कर दिया है। Thank God. ये सही फैसला लिया पायलट ने। फिलहाल के लिए तो ये फैसला ठीक है, लेकिन फ्यूल खत्म होने पे फ्लाइट को लैंडिंग तो करनी ही पड़ेगी। प्लेन फिर से उड़ने लगा है, इसलिए एक उम्मीद जगी है कि पायलट कम से कम अब कोशिश तो कर सकता है टायर खोलने की। हाँ, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बालवीर भी उनके साथ है। बालवीर बच्चों को कभी कुछ नहीं होने देगा। बहुत तेज है, मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा, लेकिन मुझे किसी भी तरह पहियों तक तो पहुंचना ही होगा।
ओह माय गॉड, बालवीर खतरे में है सर। नहीं, वो हमें खतरे से निकालने की कोशिश कर रहा है। इस समय वो बड़ी मुश्किल से लटका हुआ है, लेकिन सर पता नहीं कब तक ये हवा के बहाव का सामना कर पाएगा। आई थिंक सर हमें बालवीर की ये पिक्चर कंट्रोल रूम में भेजनी चाहिए। राइट, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि बालवीर हमें बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इतनी मुश्किल से एक आस बंधी थी कि सारे बच्चे सुरक्षित हैं, पर अब ये फिर से क्या हो गया? देखिए, पहले सब ठीक हुआ है, अब आगे भी सब ठीक हो जाएगा। आप बस थोड़ा सा धीरज रखिए। अल्फा 20 सर, A780 से कुछ पिक्चर्स फ्लैश हो रहे हैं, क्या आप देखना चाहेंगे? नहीं, मैं अभी यहाँ से वहाँ नहीं आ सकता, यही स्क्रीन पे फ्लैश कर दो। ओके सर। बालवीर, बालवीर बालवीर प्लेन की व्हील्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुद खतरे में पड़ गया है। बालवीर हमारे बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देगा, और मुझे उम्मीद है कि उसकी ये कोशिश बेकार नहीं जाएगी। मुझे इन पहियों को जल्द से जल्द नीचे खींचकर खोलना ही होगा। भगवान जी, प्लीज प्लीज आप बालवीर की हेल्प कीजिए, ताकि वो हम लोग को बचा ले और हम सब अपनी मम्मी पापा से मिल पाए। प्लीज भगवान जी, प्लीज। ओ पालनहारे, निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा खत्म हो गया है। हम ज्यादा देर हवा में नहीं उड़ सकते, हमें लैंडिंग करनी पड़ेगी। ऐसे में लैंडिंग की तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। लेकिन फ्यूल खत्म हो गया और प्लेन लैंड नहीं किया तो प्लेन हवा में ही क्रैश हो जाएगा और किसी के बचने का कोई चांस नहीं रहेगा, इसलिए हमें ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। अटेंशन प्लीज, सब पैसेंजर्स इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार हो जाएं। अपनी सीट बेल्ट और एक दूसरे को अच्छी तरह से पकड़ लें। अल्फा 20,
अल्फा 20 गो अहेड सर, A780 के पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी है। लेकिन प्लेन की लैंडिंग कैसे हो सकती है? अभी तक बालवीर ने प्लेन के टायर नहीं खोले हैं। शायद प्लेन में फ्यूल खत्म होने वाला है, इसीलिए पायलट ने लैंडिंग की परमिशन मांगी है। अल्फा 20 गो अहेड नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लेन को लैंडिंग की परमिशन क्यों दे रहे हैं? हाँ, आप पायलट को थोड़ी देर और रुकने के लिए बोल दीजिए। हाँ। शायद तब तक बालवीर व्हील्स खोल देगा। देखिए, शायद बालवीर भी लैंडिंग गियर नहीं खोल पा रहा है और फ्यूल खत्म होने वाला है, शायद इसीलिए पायलट लैंडिंग की परमिशन मांग रहा है। दैट्स द ओनली ऑप्शन। अल्फा 20 गो अहेड। अभी तो पहिए भी नहीं खुले, फिर ये विमान नीचे क्यों जा रहा है? जरूर विमान का इंजन समाप्त होने वाला है, पर अगर विमान ऐसे नीचे गया तो सब बच्चे खतरे में पड़ जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मुझे इन पहियों को खोलना ही होगा। Three thousand feet. Fifteen hundred feet. Safe landing. Oh no! हमने इतने कम डिस्टेंस में लैंडिंग की है कि अगर हम पूरी फोर्स से भी ब्रेक लगाए तो प्लेन रनवे पे नहीं रुकेगा। एक मिनट,
प्लेन की लैंडिंग तो सही होगी लेकिन प्लेन का रनवे पर रुकना इम्पॉसिबल है। लेकिन अंकल ऐसा हुआ तो क्या हुआ, लैंड तो हो गया है ना? अगर ऐसा हुआ तो प्लेन जाके दीवार से टकरा जाएगा, इससे क्रैश हो जाएगा और प्लेन में आग भी लग सकती है। अल्फा 20, अरेंज फॉर एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड, सारे एग्जिट्स ओपन रखो ऑन रनवे नंबर 3। यस यस क्विकली प्लीज, सब जहां है वहीं रहे और अपनी सीट को कस के पकड़ के रखिए क्योंकि शायद हमारा प्लेन सामने दीवार से टकराने वाला है। आई रिपीट, सामने दीवार से टकराने वाला है। क्या दीवार? ये सामने तो दीवार, तो फिर विमान रोक क्यों नहीं रहा? लगता है विमान की गति इतनी है कि वो इतने कम समय में रुक नहीं पाएगा और दीवार से टकरा जाएगा। अब मुझे इस विमान को रोकना होगा। अगर कैसे, इस विमान को मैं कैसे रोकूं? मेरे पास तो मेरी जादुई शक्तियां भी नहीं। बालवीर, आप चिंता मत करो, आपकी शक्तियां वापस लौटाने के लिए ही रानी परी ने हमें यहाँ भेजा है। हाँ बालवीर, तुम्हारा बच्चों के लिए प्यार और उनका तुम पर विश्वास तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। शुक्रिया माँ, शुक्रिया नरखट परी, अब मैं शक्तियों की मदद से इस विमान को रोक पाऊंगा। शुक्रिया। हे बाल परी, शक्ति देख खरी, बुराई की शक्ति होती है खोटी, बन जाए इस विमान से बाल परी की चोटी।
तुझे कभी किसी की नजर ना लगे और तुझ पर कभी कोई मुसीबत ना आए। हम पर भी, और अगर हम पर मुसीबत आएगी भी तो बालवीर है ना माँ। अच्छा माँ जी फटकली, बालवीर आ भी गया। लगता है कोई मुसीबत आने वाली है, इसलिए बालवीर आए। अरे नहीं नहीं, अब कोई मुसीबत नहीं आने वाली, मैं तो बस अपनी माँ से मिलने आया। बालवीर, मेहर को बचाने के लिए और उसे वापस लाने के लिए थैंक यू। सिर्फ मेहर को ही नहीं, बाकी सारे बच्चों को बचाने के लिए भी थैंक यू। अरे आप सबको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। हाँ, और हमें पता है कि तुम अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटोगे। हाँ माँ, और इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं अपनी माँ से कह सकूँ कि मैंने तो अपना वादा निभा दिया, अब आप भी अपना वादा निभा लीजिए। थोड़ा खाना खा लीजिए। हाँ स्मिता, अब तो तुम्हें कुछ खाना ही पड़ेगा। यस, और मैं तुम खुद अपने हाथों से आंटी को खिलाओगी। हाँ मैं, तुम अपने हाथों से ही अपनी माँ को खिलाओ। हाँ, और शुरुआत इस लड्डू से करते हैं। हाँ। बड़ी बातें मत उड़ो ज्यादा हवा में वरना काट देगा आपके पंख बालवीर। सबको समझाया था, आपको भी था समझाया कि मिलते ही पहला अवसर कर दो अंत बालवीर को, लेकिन नहीं, हार कर जीतने वालों को बाजी कर कहते हैं, करूंगी मैं अंत बालवीर का, लेकिन अभी नहीं, बड़ी पूरी मन बदलती हूँ। अरे हाँ, मन तो नहीं बदला बालवीर का, लेकिन बदल गई आपकी जीवन की रेखा और बनकर रह गई आप एक भस्म का ढेर, और हो गया मैं अकेला। भले ही नहीं निभाया आपने अपना फर्ज मुझे प्रधान नहीं बनाने का, लेकिन ये तोबा निभाएगा अपना फर्ज और देगा आपके भस्म के ढेर को एक आखिरी श्रद्धांजलि। लेकिन ले तो गया बालवीर मेहर को अपने साथ, लेकिन है अगर मेहर यहाँ, है कौन वहाँ बालवीर के साथ? भस्म परी। और एक सबसे बड़ी बात हमेशा याद रखना तौबा। क्या 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 बात? हमारे दुश्मनों को अक्सर ऐसा लगता है कि वो जीत, लेकिन सच्चाई तो यह है कि महाभस्म परी हमेशा हार कर भी जीत जाती है। अब है लगता मुझे कि है आपका व्याकरण ही थोड़ा खराब है, मतलब ख्याल से मेरे जो जीतता है वही जीतता है और जो हारता है वही हारता है, हार कर कोई जीतता नहीं है। खराब व्याकरण, खराब। जीतता है, जीतता है, बिल्कुल जीतता है, बिल्कुल जीतता है, बिल्कुल जीतता है। हार कर जीतने वाले को, हार कर जीतने वाले को बासीकर कहते हैं, बासीकर कहते हैं।
और महाभस्म परे और महाभस्म परे बुराई की सबसे बड़ी बाजीगर, सबसे बड़ी बाजीगर, समझे तबा तबा, समझे तबा तबा। कहा था सही महाभस्म परी ने, हार कर भी वो जीतती है, वो अब सचमुच बुराई की सबसे बड़ी बाजीगर। वाह महाभस्म परी वाह, हे इस तोबा तोबा का आपको सलाम। वाह मैं माना नहीं, बालवीर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से ही मेहर हम सबके साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू बालवीर। थैंक यू। बड़ी बुरी हूं मैं, बड़ी बुरी हूं मैं, मन बदलती हूं मैं, और इस बार बदल दी है मैंने तुम्हारी जीती हुई बाजी बालवीर, क्योंकि तुम जीत के भी हार गए हो और मैं हार कर भी जीत गई हूं, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। पर ये तो मेरी पहली जीत है, मेरी अगली जीत होगी जब तुम खुद मुझे उस सुनहरे चिन्ह तक ले जाओगे जिसे परियों ने नर्क के द्वार से चुराया और मुझसे छुपाकर परीलोक में रखा है। उसके बाद तुम्हारे सामने मैं उन सारे दैत्यों को आजाद कराऊंगी और तुम्हारे इन प्यारे बच्चों वाली पृथ्वी लोक को अपना गुलाम बनाऊंगी।